आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ अपने हेयर्स के साथ। तो जस्ट मैं आप लोगों को हेयर का टेक्सचर दिखा रही हूँ कि जो आज मैंने रेमेडी फॉलो की है उसका कितना अच्छा इफेक्ट आया है। इवन मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया अपने बालों में, जस्ट शैम्पू से अपने बालों को वॉश किया है। हाय गाइस, मैं हूँ सुगम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है, जी हाँ, एक जिसे बोलते हैं कि विंटर का एक हैक है, और जिसकी थंबनेल आपने लगाया, मैंने लगाया, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने किसका थंबनेल लगाया। और मैं आज आप लोगों को हेयर केयर यानी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने आई हूँ। जी हाँ, आज उसी के थ्रू मैं आज आपको हेयर फॉल का सोल्यूशन देने वाली हूँ कि किस तरह से आप जस्ट विक्स वेपोर रब से अपने बालों को बहुत अच्छी सी शाइन दे सकते हैं, अपनी जो स्कैल्प आपके इरिटेट है उसे बहुत अच्छा सा एक नरिशमेंट दे सकते हैं, डैंड्रफ बिल्कुल नहीं आएगा, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और ये जो मैंने आज हैक आप लोगों के साथ या जो रेमेडी मैं फॉलो कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल नहीं, जावेद हबीब की है। तो अगर आपको ना ट्रस्ट हो तो आप एक बार जाके गूगल भी कर सकते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ गर्म पानी लेना है और एक कटोरी लेनी है। पहले मैं ये रेमेडी खुद ट्राई करने जा रही थी, यानी कि ट्राई करने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ, तो इसलिए ये ऑयल वाली कटोरी, पहले से इसमें ऑयल है, फिर मैंने इसको हटाया, फिर देन वीडियो बनाने की सोची। तो यहाँ पे आपको सरसों का तेल लेना है या फिर जो भी आप ऑयल लगाते हो, मैं ठंड में सरसों का तेल लगाती हूँ तो वो ले रही हूँ। इसके बाद आपको इसमें विक्स वेपोरब यानी कि दो छोटे वाले जो चम्मच होते हैं डालने हैं, और तेल गरम होगा तभी ये विक्स वेपोरब उसमें अच्छे से मिक्स होगा। अगर तेल नहीं गरम हुआ तो विक्स वेपोरब उसमें मिक्स नहीं होगा। तो आपको जो मैं इसीलिए डबल बॉयलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि विक्स वेपोरब अच्छे से हो जाए। तो ये रेमेडी आपकी तैयार है हेयर्स पे लगाने के लिए। तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि ये क्यों इफेक्टिव है। तो विक्स वेपोरब इसलिए बता रही हूँ अपने हेयर्स पे लगाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने बालों को यानी कि वो धुले हुए बाल हों उसमें ऑयल बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से खोलना है और इसको स्कैल्प पे लगाना है। विक्स वेपोरब में इसलिए स्पेशली आपको बता रही हूँ लगाने के लिए, मतलब मैं क्या, जावेद हबीब का है ये, कि इसमें जो कपूर एंड मैंथॉल दो ऐसी चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं कि कपूर जो कैंपर है हमारे इस जो स्कैल्प है उसके लिए कितना अच्छा है ये, वहाँ के मैंथॉल जो इरिटेट पोर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट देता है, रिलीफ देता है। कैंपर बिल्कुल हमारे स्कैल्प को जो है वो डैंड्रफ फ्री रखती है, जिसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी अच्छे होते हैं। इन दो इंग्रेडिएंट की वजह से विक्स वेपोरब जो है जावेद हबीब ने बताया है कि हमें अपने स्कैल्प पे लगाना चाहिए, और ऐसा हमें जो मतलब महीने में चार बार करना ही करना है, यानी हर संडे हो सके तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, वीक में एक बार आपको इसे लगाना है। ऑयल में मिला के लगाइए और सिर्फ स्कैल्प, मतलब स्कैल्प पे तो आपको लगाना ही लगाना है, फुल बालों पे लगाना है, और 10 से 15 मिनट आपको छोड़ के रखना है। देन जैसे आप वॉश करते हो आप अपने बालों को वॉश करिए, वॉश करिए, आप हो सके तो कंडीशनर भी मत लगाइए। उसके बावजूद आप देखिए कि हेयर्स कितने ज़्यादा शाइन रहते हैं। आप हो सके तो इसे आप ऑयल ऑयल में लगा सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ठंड में सर्दियों में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो आप सरसों के तेल में भी या फिर जो भी ऑयल आप लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेशली आपको किसी ऑयल में लगाना है। विक्स वेपोरब की आप जो छोटी डिब्बी है वो भी लगा सकते हैं। बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि मैं छोटी वाली दो चम्मच है वो ले रही हूँ, बाल ज़्यादा लंबे हैं तो एक बड़ा वाला भर के आप चम्मच ले सकते हैं विक्स वेपोरब को। तो ये बताया कि मैंने किस तरह से ये काम करता है, और थोड़ी देर मसाज करिए स्कैल्प पे, बहुत अच्छे से मसाज करिएगा और इससे आपकी ऑयलिंग भी हो जाएगी और विक्स वेपोरब जो है वो भी बहुत अच्छे से आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा स्कैल्प में। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ कि इसको सर में लगाने के बाद जो सर है ना बहुत अच्छा सा फील कराता है, अगर आपको उस समय जुखाम है तो उससे भी बहुत अच्छा सा फील होता है आपको, क्योंकि सरसों का तेल और ये दोनों मिलके पूरे जो सर की जो नसें जाम हो गए हैं ना उन्हें पूरा खोल देता है और बहुत अच्छा सा फील करवाता है आपको, जैसा लगता है जुखाम जो है वो भाग से गया है, सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और एक बार ट्राई करने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई में कितना असरदार नुस्खा है, और ट्राई करिए और मुझे इसका रिव्यू शेयर करिए।
से पहले मैंने आप लोगों को अपने हेयर का टेक्सचर दिखा दिया था कि कंडीशनर भी अप्लाई नहीं किया है और बालों का झड़ना भी बंद होगा अगर आप इसे हफ्ते में एक बार एक महीने तक रेगुलर फॉलो करेंगे। और जस्ट मैंने आपको बताया कि ये रेमेडी मेरी नहीं है, जावेद हबीब की है, तो एक बार गूगल करके भी आप चेक कर सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन पहले ही मैंने वीडियो में दे दी है कि किस लिए विक्स वेपोरम मैंने यूज़ किया है। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।